लातेहार जिला मुख्यालय स्थित अखिल झारखंड बिरसा मुंडा कामगार यूनियन जिला इकाई की बैठक पवन होटल समीप संरक्षक भोला सिंह के आवास पर हुई। बैठक में तुबेत कोल एरिया क्षेत्र अंतर्गत CSR के तहत प्रभावित लोगों के लिए सभी सुविधा प्रदान करना, प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देना एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष दिलेश्वर यादव, संचालन केंद्रीय उपाध्यक्ष सेलेस्टिन को जुड़दार किया गया। इस दौरान रवि डे ने कहा कि DVC को मांग पत्र सौंपेंगे और अगर सौंपे गए मांग पत्र के अनुसार उचित व्यवस्था नहीं किया गया तो हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे। मौके पर शीला देवी, मोहम्मद कलाम अंसारी, मोहम्मद वकास, मोहम्मद फरीद अंसारी, जागाव राव, लाल बिहारी यादव, विजय साव, रामशरण यादव, शैलेश कुमार, मनोज कुमार यादव, मोहर यादव इत्यादि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। एक DVC तो बात मानेगा ही, जनता से बढ़ के नहीं है। वहाँ के जो भी हमारे DVC कोल क्षेत्र के जो भी प्रभावित गांव है वहाँ के लोग को मानना होगा। कुछ जबरदस्ती नहीं है, कानूनी मांग है और वहाँ के लोग का हक है। अगर हक नहीं माना जाएगा तो संविधान के तरीके से रह करके हम लोग गुर्जर आंदोलन करेंगे। अब इस तरह के बहुत सारे कोलवारी खुले हैं देश में, राज्य में, और सबको माना है और ये भी है, सब ऊपर से टपक कर नहीं आए हैं, यहीं का है। और आने वाला दिन में हमको विश्वास है जब कोलवारी यहाँ के लोगों के बारे में ध्यान देगा। और हम लोग इसको मांग है सभी एकदम कानूनी ढंग से रखेंगे। जब इस नई मांग पूरा किया जाएगा तो इसके लिए हम लोग दूसरा हथकंडा अपनाने के लिए भी तैयार है। हमारे जिला मुख्यालय से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर तुबेल कोल माइंस है, तो उस एरिया में जो रैयत लोग हैं, रैयत लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला है, वहाँ स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है, यहाँ के मजदूर लोग यहाँ से पलायन कर दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं। अतः हम लोग संयुक्त रूप से ये मांग करते हैं कि आज के तिथि में अगर 3rd और 4th ग्रेड के लोगों को यहाँ पर काम में नहीं लगाया जाता है तब लोग इसका विरोध करें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हम लोग अब कुबेत कोल माइंस को एक संयुक्त रूप से हम लोग मांग पत्र देने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग मांग करेंगे कि जो भी वहाँ लोडिंग का काम हो रहा है वो मजदूरों के द्वारा कराया जाए और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। इसके अलावा जो है सही ढंग से रैयतों को मुआवजा दिया जाए, CSR के तहत जो है कंपनी विकास का काम करे, और बहुत सारे मांग हैं जिसको लेकर हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। और समय दिया रहेगा कि इस समय सीमा के अंदर आपको कार्य करना है, और यदि तुबेत कोल माइंस वाले काम नहीं करते हैं तो हम लोग जो है जोरदार ढंग से उनके खिलाफ में आंदोलन करने का